हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम जीएस एनालिसिस सेंटर। आज हम जानेंगे इस वीडियो में अबाउट गाया हाइपोथेसिस एंड मदर अर्थ। तो पहले हम जान लेते हैं गाया हाइपोथेसिस न्यूज़ में क्यों है। बिकॉज डॉक्टर जेम्स लवलॉक द पायनियर ऑफ गाया हाइपोथेसिस डाइड ऑन हिज 103rd बर्थ एनिवर्सरी। मे ही सोल रेस्ट इन पीस। अब हम जानते हैं गाया हाइपोथेसिस क्या है। पृथ्वी जीवन के लिए एक परफेक्ट प्लैनेट है, लेकिन गाया हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जिस मोमेंट से जीवन पहली बार पृथ्वी पर आया है, उसने पृथ्वी को रहने के लिए अधिक कंफर्टेबल प्लेस बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। गाया हाइपोथेसिस बताता है कि पृथ्वी और उसके नेचुरल साइकिल्स को एक जीवित जीव की तरह माना जा सकता है। जब एक नेचुरल साइकिल किलोमीटर से बाहर जाने लगता है, तो अदर साइकिल्स इसे वापस लाने के लिए काम करते हैं, कंटिन्यूअली ऑप्टिमाइजिंग द कंडीशंस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ग्रीक अर्थ गॉडेस गाया के नाम पर इस हाइपोथेसिस को 1960 के दशक में साइंटिस्ट डॉक्टर जेम्स लवलॉक द्वारा विकसित किया गया था। डॉक्टर लवलॉक उस समय नासा के लिए काम कर रहे थे, जो मंगल पर जीवन का पता लगाने के तरीकों को एनालाइज कर रहे थे। ये हाइपोथेसिस ये समझाने के तरीके के रूप में सामने आया कि व्हाई द अर्थ एटमोस्फेयर कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अपने अर्ली ईयर्स में पृथ्वी के वातावरण में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड था, द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल वॉल्केनिक वर्ब्स। जब तक जीवन नहीं आया था, तब तक बैलेंस बदलना शुरू नहीं हुआ। बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन का उत्पादन किया, एक इनर्ट गैस, और फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स ने एक बहुत ही रिएक्टिव गैस ऑक्सीजन का उत्पादन किया। उस समय से लगभग 2500 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी के एटमोस्फियर में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन शामिल है, जो इस ग्रह पर जीवन का समर्थन करता है। नाइट्रोजन चीजों को स्थिर रखने में मदद करता है, ऑक्सीजन के स्तर को बहुत अधिक चढ़ने से रोकता है। इस बीच ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स लाइफ का समर्थन करता है। गाया हाइपोथेसिस ये समझाने में भी मदद करता है कि महासागरों को कैसे संतुलन में रखा जाता है। नदियां चट्टानों से नमक को घोलकर समुद्र में ले आती है, फिर भी समुद्र का सैलिनिटी बहुत लंबे समय तक लगभग 3.4% बना रहता है। ऐसा लगता है कि समुद्र के तल पर दरारों के माध्यम से नमक के पानी को रिसाइकल करने वाले सॉल्ट फिर से हटा दिया जाता है। ये प्रोसेस महासागरों की सैलिनिटी को संतुलन में रखती है और एक स्तर पर जिसे मैक्सिमम लाइफ फॉर्म्स पॉसिबल हो सके। गाया हाइपोथेसिस बस ये कहता है कि पृथ्वी के नेचुरल साइकिल्स पृथ्वी को हेल्दी रखने और पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। Why this hypothesis is so much important? Because Gaia hypothesis predicted the causal link between increased biodiversity and increasing stability of populations. Evolutionary theory के development पर Gaian influence इस idea से पाया जा सकता है कि पृथ्वी पर जीवन एक self-regulatory system के रूप में abiotic environment के साथ काम करता है। I hope ये video आप लोगों को informative लगा होगा। If you really like this video, please subscribe my channel and follow me on Facebook and Instagram for regular updates. Stay hungry, stay foolish. Jai Hind!